कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ जी हमारे साथ है, क्या कहेंगे, सत्याग्रह मोर्चे में शामिल हुई, क्या कुछ बातें? देखिए, बिल्कुल हम देख रहे हैं कि इस देश की जो लोकशाही है और संविधान की बात हम कह रहे थे कि जिस तरह से सहायता दी गई सरकारी यंत्रणाओं को, उसका इस्तेमाल करके जो है वो पूरी तरह से अपोजिशन को जो है वो टारगेट किया जाता है, और बाद में ईडी सीबीआई इसका नोटिस देने के बाद कुछ लोग उस पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो अचानक उनकी क्लोजर रिपोर्ट चले जाते हैं। तो ये जो स्वायत्तता है ये अभी है क्या? तो इस देश की लोकशाही के लिए, इस देश की स्वतंत्रता के लिए, इस देश के जो, जैसा मैंने कहा, संविधान के लिए हम सबको एक साथ मिलकर आना होगा, ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये हमारा सबसे बड़ा काम है। क्या कहेंगे मुख्तार अंसारी की जो मौत हुई उसको लेकर तमाम सवाल? ये आपको भी पता है कि उस मामले में जिस तरह से है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूरी उसकी जांच होती है और उसके बाद उसका जो आएगा उसके ऊपर बात करेंगे। ट्वीट किया था कुछ दिन पहले आपने अपने अपने क्षेत्र को लेकर, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी ने अपनी तरफ से कैंडिडेट अनाउंस कर दिया था बिना कांग्रेस से चर्चा किए, तो उस पर क्या करेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारा सिंपल एक कहना है कि कांग्रेस पार्टी हो या इंडिया अलायंस हो, हम सबका एक साथ ध्येय एक है, लेकिन मुंबई में हमारी भी अच्छी खासी ताकत है और हम ये चाहते हैं कि साथ में मिलके हम सब लोग जो है लड़ाई लड़े और ये सीताएं हम जीते। तो हमारा कहना यह था कि हमें भी 3 सीटें मिलनी चाहिए, और जो हमारी बात है उनके सामने हमने रख दी थी और हमारी पार्टी के नेताओं के सामने भी रखी है, और हम कांग्रेस का कार्यकर्ता है, निष्ठावान कार्यकर्ता है, तो हमने अपनी बात अपने पक्ष श्रेष्ठी के सामने रख दी, और हमारा ये कहना है कि जहाँ अपनी ताकत है वहाँ पर हमें लड़ना चाहिए, और इसके लिए हमने वो लड़ाई करने का काम हम करते हैं। दक्षिण मध्य में उन्होंने तो अनाउंस कर दिया, तो आप लोग इस बात से एग्री नहीं करते, उम्मीद करते हैं कि वो बदले अपनी बात? देखिए, ऐसा है कि हम अपनी पार्टी की बात हम अपने पार्टी के नेताओं से कहेंगे, हमारी जो इच्छा है वो भी हम उनसे कहेंगे, और हमारी इच्छा ये भी है कि इंडिया अलायंस के माध्यम से हमें यही सोचना चाहिए कि एक साथ मिलकर हम एक प्लेटफॉर्म पे आए और एक बात करके हम लोग काम करें। तो किसी को अगेंस्ट करने के लिए हम नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि जिस पार्टी की ताकत जहाँ ज़्यादा है उस पार्टी को वहाँ पर टिकट मिलनी चाहिए। तो इस बात के ऊपर हमने कहा है, और जैसा मैंने अपने ट्वीट में भी क्लियरली कहा है कि हमें हाईकमांड से जो आदेश आएगा, जो हमारे पार्टी पक्ष प्रमुख से जो आदेश आएगा, उसके ऊपर हम काम करेंगे। ये तो हमने ऑलरेडी हमारा कर्तव्य कर समझ के हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी के हिसाब से, कांग्रेस पार्टी के हिसाब से जो हमारी ताकत है वो हमने पक्ष श्रेष्ठी के सामने रख दी और उनके सामने भी रख दी। कैमरा पर्सन सागर खाड़ी के साथ मैं अमृता दुबे, इंडिया टीवी, मुंबई।